हेलो एंड वेलकम अगेन टू एएसपी क्लासेज। अभी हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज द s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ और nth टर्म। हम इसके अंदर क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है। ये वाली जो इक्वेशन है ये किस चीज की इक्वेशन है, सम की, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो देखिए अगर हम ये निकालना, ये है एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें इसकी सम की इक्वेशन दे दी। तो हम क्या कर सकते हैं, n की जगह एक 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा s1, और एक टर्म का सम है यानी वो टर्म खुद ही होगी तो ये इक्वल टू क्या होगी a1, और n की जगह 1 की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये क्या आ गई a1 की वैल्यू है जो कि हमें सबसे पहले पूछी गई है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म a1, ये आ गई 3। अभी s2 क्या रहेगा, s2 एक्चुअल में क्या होता है a1 प्लस a2, यही तो होता है s2। S2 की वैल्यू यहां रखेंगे हम 4 इंटू 2 माइनस 2 की स्क्वायर, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ये 4 जो है ये a1 प्लस a2 है। हमें दो चीजें पूछी गई है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी S2 क्या है 4, व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी a2 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये आ गया है a2। उसके बाद में हमें थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म पूछी गई है। इन सारे टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। d की वैल्यू क्या होती है, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 क्या है 1 और a1 3 इक्वल टू माइनस 2, ये आ गई d की वैल्यू। a3 क्या होता है a प्लस 2d, a है हमारे पास 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, ये a3 की वैल्यू आ गई। फिर हमसे पूछिए a10 की वैल्यू, a10 इक्वल टू a प्लस 9d, a फिर से हमारे पास 3 ही है प्लस 9 माइनस 2, 3 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 15, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a10 की। इसके बाद में हमें एक वैल्यू और पूछी गई है nth टर्म यानी कि एग्जैक्टली ऐसे, ये वाली जो दी गई है ये एस एन की वैल्यू दी गई है हमें, और हमें पूछी किसकी गई है ए एन की वैल्यू, यानी हमें एक ऐसा फार्मूला देना है जिससे इसी एपी के अंदर अगर एन की वैल्यू पुट करते ही ए एन की वैल्यू आ जाए। तो ए एन नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमारे पास है, हमने जो फाइंड आउट किए जैसे ए की वैल्यू और d की वैल्यू, ये दोनों यहां पुट कर देते हैं तो an की वैल्यू आ जाएगी an इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये आएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, ये आ गया 5 माइनस 2n। ये जो वैल्यू है ये an की वैल्यू है, अगर यहां पे 1 पुट करते हैं हम तो 5 माइनस 2 इंटू 1 3 आ जाएगा, जो कि a1 की वैल्यू हमने 3 फाइंड आउट की है। सेकंड अगर यहाँ पे 2 रखते हैं 5 माइनस 2 इंटू 2 क्या आएगा 1। इसी तरह से अगर a10 या जो भी वैल्यू हमें निकालनी इस ap की an की, वो इस फॉर्मूले से आ सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय।